तो छोटी एसआईपी के बड़े कमाल आज हम समझ रहे हैं। क्षितिज महाजन हमारे साथ हैं और साथ ही ऋषिकेश पालवे से कर रहे हैं खास बातचीत। अगर आप एक छोटी एसआईपी यानी 250 रुपए तक की एसआईपी करना चाहते हैं या अगर करेंगे तो क्या उससे भी आप एक बड़ी रकम इकट्ठा कर सकते हैं, इस पर चर्चा चल रही है। और क्या इसके फायदे हैं, किसको इसके फायदे होंगे, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऋषिकेश, कौन सा ऐसा तबका है जिसको सबसे ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है? जैसे क्षितिज ने बताया, वेलकम स्टेप है, म्यूचुअल फंड में एसआईपी की जो बुक है वो बढ़ती जा रही है, उम्मीद ये की जा रही है कि इससे और भी ज्यादा बढ़ेगी, एक्सपैंड होगा। अब 250 रुपए की जो एसआईपी करना चाहता है वो हो सकता है कि एक ऐसा इंसान व्यक्ति भी हो जिसके पास शायद आय का स्रोत कम हो, या बेसिकली कैसे तबके को टारगेट करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है? नमस्ते स्वाति जी, क्षितिज जी नमस्ते, और सारे दर्शकों को नमस्ते। ये माइक्रो एसआईपी जो है वो अधिकतर निम्न आय के कैटेगरी के लोगों के लिए बनाई गई है। इससे क्या होगा कि अवेयरनेस बढ़ेगा, सबसे पहली बात तो। फायदा किसका सबसे ज़्यादा होने वाला है, तो इन्वेस्टर्स का फायदा ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि क्या होगा कि निम्न आय के लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे, फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ेगी, कैपिटल मार्केट्स क्या होता है इसके बारे में पता चलेगा। कई बार आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करना होता है लेकिन आपको पता नहीं होता है कौन से स्टॉक में निवेश करें, तो ये जो जरिया है जहां से आप अगर म्यूचुअल फंड से निवेश करते हो, एक बहुत बेहतरीन जरिया है जहां पे आप स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हो। और एक चीज़ है कि इससे पहले भी कुछ AMCs थे जिन्होंने 100 रुपये की SIP इंट्रोड्यूस की थी, जैसे ICICI, आदित्य बिरला, निपॉन, लेकिन मैंडेटरी नहीं था। अभी हर एक AMC को ये करना पड़ेगा, तो जो वैरायटी जो होती है, डाइवर्सिफिकेशन जो निवेशकों को मिलेगा वो काफ़ी अच्छा होगा। अगर समझो किसी के पास 1000 रुपये निवेश करने के लिए है, तो वो कई स्कीम्स में, 4 स्कीम्स में अलग अलग 250-250 के हिस्सों में बांट के 4 स्कीम्स में निवेश कर सकता है। तो ये काफ़ी सारी सुविधाएं इन्वेस्टर्स को मिलेगी, निवेशकों को मिलेगी, तो निवेशकों के हिसाब से ये काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। AMCs के हिसाब से भी साबित होगा, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्ले में आएंगे, फ्लोज बढ़ेंगे, प्रचिति होगी इसकी काफ़ी हद तक, B30 या फिर गांव खेड़ों के लोग भी निवेश करना चालू करोगे। जितना पॉपुलर होते जाएगा उतना म्यूचुअल फंड्स पॉपुलर होते जाएगा। कुछ आंकड़े बोलना चाहूँगा कि अगर आप डेटा देखो तो 850 लाख करोड़ जो इन्वेस्टमेंट्स है इंडिया में, उसमें से 13% जो है वो इक्विटी में निवेश किए हुए है। अगर वो 13% को हमको 40-50% तक लेके जाना है, तो हमको पॉपुलेशन को टारगेट करना पड़ेगा। एक कदम जो उठाया है सभी ने, ये काफ़ी फायदेमंद साबित होगा टू इंक्रीज पॉपुलैरिटी ऑफ म्यूचुअल फंड्स। ओके, तो ये काफ़ी पॉपुलर साबित हो सकता है, जो म्यूचुअल फंड की पॉपुलैरिटी है उसको और बढ़ाने के लिए। ऋषिकेश, क्योंकि अगर हम एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहे हैं, ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपको 250 से तो वो पैसा बढ़ाना ही पड़ेगा। दैट मीन्स आपके लिए वो जो वेल्थ क्रिएशन की जर्नी है वो काफ़ी लंबी होनी चाहिए। तो अगर कोई 250 की SIP करना भी चाहता है, जब भी एक ये ऑप्शंस मिलेंगे निवेशकों को म्यूचुअल फंड्स में, आप क्या एक प्लान ऑफ एक्शन उनके लिए बता रहे हैं? आइडियली कैसे इन्वेस्टर को एक 250 की SIP करनी चाहिए, कितने टाइम तक का उनको एक होराइजन रखना चाहिए, कैसे वो एक छोटी SIP से भी बड़ी रकम इकट्ठा कर सकते हैं? स्वाति जी, ये सर्वप्रथम एक कदम उठाना बहुत जरूरी है। 250 रुपए की SIP पहला कदम रखने में काफी हेल्प करेगी, लेकिन 250 रुपए की SIP जो है वो आगे चल के सिर्फ 250 पे लिमिट नहीं करनी चाहिए। 1000-2000 उसको डाइवर्सिफाई करके 4 फंड या 8 फंड में आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रिटायरमेंट का प्लानिंग करना है, अगर आप 25 साल के हो और आपको अगर 30 साल मतलब 55 साल की उम्र में रिटायर होना है, और अगर आज आप रिटायर होते हो, अगर आज की आपकी सेविंग्स 2 करोड़ की होनी चाहिए, तो आपको इन्फ्लेशन ऐड करके देखना चाहिए 30 साल के बाद आपको क्या राशि की जरूरत है। तो अगर आज आपको 2 करोड़ की जरूरत है, तो 30 साल के बाद 6% से इन्फ्लेशन अगर जोड़ दूं, तो आपको करीबन 11 करोड़ की राशि की जरूरत होगी। अब ये 11 करोड़ की राशि के लिए आपको एक SIP करने की जरूरत पड़ेगी। वो SIP आपकी होगी करीबन 13000 रुपए की। अगर आप 13000 हर महीने की SIP करो, और वो अगर 12% से ग्रो हो, और आप एक स्टेप अप लगा लो। स्टेप अप क्या होता है, जो हमेशा कहता हूं कि 10% से अगर 13000 है तो अगले साल
14,300 की SIP करोगे आप, उसके अगले साल और 10% से बढ़ाओगे, उसके अगले साल और 10%, ऐसे बढ़ाते जाओगे तो आपका 11 करोड़ का लक्ष्य जो है वो हासिल हो सकता है। तो ये हुआ प्लानिंग, एक रिटायरमेंट, फिर होते हैं बच्चों की पढ़ाई, फिर होते हैं बच्चों की शादी, काफी सारे माइलस्टोन एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो वो सब करने के लिए आपको इन्फ्लेशन, आज खर्चा कितना होगा उसके हिसाब से इन्फ्लेशन जोड़ के देखना पड़ेगा उतने समय के लिए, कि उस समय उसकी कीमत कितनी होगी। एक बार वो कीमत निर्धारित हो जाए तो बैकवर्ड कैलकुलेशन करके आपको SIP करनी चाहिए उस राशि के। लेकिन आपने जो सही कहा कि 250 पे लिमिट नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। आज अगर आपकी आय कम है तो आप भले 1,000 रुपए की SIP करो, लेकिन ये ध्यान में रखो कि आपको आगे चल के उसको बढ़ाना है। एक बहुत अच्छी चीज होगी इससे स्वाति जी, कि लोग एक अनुशासित तरीके से निवेश करना चालू कर देंगे। एक बार आदत हो जाती है अनुशासित तरीके से निवेश करने की, तो ये 250 जो रुपए है, आज आपकी आमदनी अगर कम है तो ठीक है, आगे चल के बढ़ेगी। जब आपकी आमदनी बढ़ जाएगी तो ये 250 का 2,500, 2,500 के 25,000 भी हो सकते हैं। तो ये एक इनकलकेट करना बहुत जरूरी है, ऐसा मेरी समझ है। बिल्कुल, तो ये एक शुरुआत हो सकती है, पहला कदम हो सकता है कि आप एक बहुत ही छोटी रकम से SIP की शुरुआत करें, लेकिन इवेंचुअली अगर आपको एक बड़ा पैसा कमाना है तो उस SIP को बढ़ाना ही पड़ेगा। ऋषिकेश, आपके पोर्टफोलियो में कैसे फंड्स हैं जो कि छोटी रकम से भी शुरुआत की जा सकते हैं? जी, मैं चुनाव करूंगा ICICI प्रो डिविडेंड यील्ड फंड का। 2 से 3% का इंक्रीमेंटल यील्ड बनने की काफ़ी हद तक गुंजाइश है, और मेजरली लार्ज कैप फंड है। फिर मिड कैप में कोटक इमर्जिंग इक्विटी का मैं के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मिड कैप जो है वहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, अर्निंग्स 30-32% से ग्रो होने की गुंजाइश है। इन्वेस्टको इंडिया स्मॉल कैप फंड, स्मॉल कैप में भी अर्निंग्स पोटेंशियल 20-22% की दिखाई दे रही है, तो वहां पे निवेश करना चाहिए। और डाइवर्सिफिकेशन के लिए मैं कहूंगा कि कैनरा रिबको का मल्टी कैप फंड में आप निवेश करो। तो ये 4 फंड मेरे पिक्स रहेंगे निवेश करने के लिए, अगर आपको SIP के माध्यम से निवेश करना है तो। ओके, और एक AMC को कैसे प्रिपेयर रहना चाहिए? ऋषिकेश, क्षितिज ने बताया कैसे कैसे फंड से किया जा सकता है, पर डेफिनेटली उनके पार्ट पे भी जो प्रेपरेशन है जरूरी है। काफी ऐसी AMCs हैं वो अभी भी 100 रुपए की SIPs अभी भी देती हैं, उसकी पेशकश करती हैं, पर पूरी तरीके से इसको फॉर्मलाइज कर देना, एक छोटी टिकट साइज की SIP, इंडस्ट्री को भी तैयार रहने की जरूरत है। जी बिल्कुल, इंडस्ट्री को भी तैयार रहने की ज़रूरत है, और इंडस्ट्री को एक्चुअली थोड़ा नुकसान होने का भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि छोटी टिकट साइज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो सिमिलर ही लगता है। तो इनिशियल फ्यू डेज में काफ़ी लॉसेस होने की गुंजाइश है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे इनफ्लोज बढ़ते जाएंगे तो वहाँ पे फायदा ये होगा कि ब्रेक इवन पाने का पॉसिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगा। ये सबसे पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने जैसे कहा 100 रुपए की भी SIP हुआ करती थी, जैसे मैंने पहले भी कहा ICICI, आदित्य बिरला और निपॉन, ये 3 फंड हाउसेज है जिन्होंने 100 की प्रचिति की हुई थी। दूसरी चीज़ ये है कि ब्रॉडर पार्टिसिपेशन आ जाएगा अगर 250 रुपए की SIP चालू हो जाती है तो, क्योंकि निवेश करने वाला, म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाला करोड़ों अरबों भी में निवेश करते रहेगा और 250 में भी करेगा, तो काफी पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और प्रमोट करेगा रूरल या फिर B30 कैटेगरी के सिटीज भी निवेश कर पाएंगे। तो ये सारी वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रचिति बढ़ेगी, प्रशंसा होगी और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने की चाह बढ़ेगी लोगों की। तो ये फायदा होगा ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो विन विन सिचुएशन इंडस्ट्री के लिए भी, निवेशकों के लिए भी हो सकती है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके लिए SIP अमाउंट छोटा जरूर है, लेकिन बड़ी रकम इकट्ठी करनी है तो वो 250 सिर्फ 250 ही ना रहे, वो धीरे धीरे करके आपको कोई भी जो एक छोटा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको बढ़ाना है एक बड़ी रकम इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि हर गोल को जरूरत है इन्फ्लेशन से बचाने की और साथ ही साथ जो आपका जो रकम है वो बड़ा करने की। बहुत धन्यवाद करेंगे ऋषिकेश और क्षितिज हमसे बात करने के लिए इस खास कार्यक्रम में।